भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता बाइक रैली निकाली गई। अयप्पा स्वामी मंदिर की 37वीं वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा। माँ गंगादेवी शासकीय महाविद्यालय बस्तर में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल। भारतीय सैन्य बलों में अग्निवीर भर्ती के लिए संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। 34वां सड़क सुरक्षा माह के तहत हेलमेट जागरूकता बाइक रैली निकाली गई, जिसे पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान, समाज सेवी, पुलिस अधिकारी, पत्रकार एवं आम नागरिक शामिल हुए। बाइक रैली शहर के विभिन्न मार्गों से लोगों को हेलमेट पहनने के संदेश और जागरूक करते हुए निकाली गई। रैली के संबंध में पुलिस कप्तान शशि मोहन सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि ज्यादातर दुर्घटनाओं में मौत का कारण सिर पर चोट लगने के कारण ही होता है। यदि हम हेलमेट पहनकर बाइक ड्राइव करें तो प्रोटेक्शन दे सकते हैं, तो गंभीर दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का जीवन, परिवार, समाज और देश के लिए अमूल्य है। लोग लापरवाही कर जान जोखिम में डालकर असमय काल के ग्रास में समाते हैं, जो बेहद दुखदायी होता है। पुलिस का सदा प्रयास रहता है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि रहे, लोग यातायात के दिशा निर्देशों का पालन करें, हेलमेट पहने और अपनी सुरक्षा के साथ परिवार को भी सुरक्षित रखें, साथ ही बेवजह चालानी कार्रवाई से भी बचे। 34वें सड़क सुरक्षा माह के तहत बस्तर पुलिस के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जागरूकता को लेकर विभिन्न स्कूल कॉलेज में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम। उसी कड़ी में आज पुलिस लाइन ये लालबाग मैदान से 250 की संख्या में दुपहिया वाहन पर हेलमेट पहनकर शहर के विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं से, पुलिस से, एनसीसी से लोग यहाँ पर हेलमेट पहनकर जागरूकता के लिए एक रैली निकाल रहे हैं, जिसमें हमारे यातायात विभाग का योगदान है। और इसका उद्देश्य है कि जब भी लोग दुपहिया वाहन चलाएँ तो हेलमेट का प्रयोग करें, क्योंकि हम सबको पता है कि हेलमेट पहनने के बाद जो घातक एक्सीडेंट होते हैं उसमें मौत की संख्या कम हो जाती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बस्तर निवासियों को, खासकर जगदलपुर के निवासियों को आग्रह करता हूं कि आप सबका जान बहुत कीमती है, आपकी जान आपके परिवार के लिए, इस देश के लिए बहुत कीमती है। तो लोग इसके प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें। और थोड़ी असुविधा होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब हम इसको प्रयोग करने लगते हैं तो हमें यही बहुत सहज लगता है। तो इस आग्रह के साथ मैं सबको यहाँ हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाएं देते हुए विदा किया। सर, क्या लगता है बस्तर में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, इनको जागरूक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से बस्तर के साथ साथ अभी शहरों में भी लोग थोड़ी असुविधा के कारण ये हेलमेट नहीं पहनते हैं, लेकिन देहात के इलाकों में तो बिल्कुल भी नहीं पहनते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी अगले चरण में हम देहात के इलाकों में भी इस तरह की जागरूकता रैली करेंगे। अयप्पा स्वामी मंदिर की 37वीं वार्षिक महोत्सव पर जगदलपुर स्थित अयप्पा मंदिर में विविध पूजा अनुष्ठान का आयोजन किए जा रहे हैं। अयप्पा सेवा संगम जगदलपुर के अध्यक्ष वासुदेव नायर ने बताया कि 6 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। आज बलि पूजा विधान किया गया, जिसमें गरुड़ देव की पूजा की जाती है। अध्यक्ष नायर ने बताया कि सबरीमाला स्थित अयप्पा मंदिर एवं जगदलपुर स्थित अयप्पा मंदिर में गरुड़ के दर्शन साक्षात होते हैं। आज भी गरुड़ के साक्षात दर्शन हुए, सभी भक्तों ने उनका दर्शन किया। इसके पश्चात भी लगातार अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें शोभा यात्रा, कलश यात्रा सहित अन्य कार्यक्रम है। कार्यक्रम के संबंध में अध्यक्ष ने और क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारा ये 37वां वार्षिक महोत्सव है और 28/1/2024 से 2/2/2024 तक 6 दिन का महोत्सव है। इसमें आज बलि पूजा का आयोजन किया गया है, जो इस कार्यक्रम का महोत्सव का सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण पूजा है, उत्सव बलि पूजा।
और इस पूजा के दौरान गरुड़ भगवान के दर्शन होते हैं। आज भी गरुड़ भगवान ने अपना दर्शन देके गए हैं यहाँ, और इसके पश्चात आरती, आरती के बाद भी भोजन, अपना भोजन की व्यवस्था की गई है, अन्नदान की व्यवस्था की गई है। और हमारा 1 तारीख को पल्ली बैठा का कार्यक्रम है, जो अयप्पा मंदिर से श्रीराम मंदिर रेलवे कॉलोनी तक जुलूस के रूप में निकलेगी, और वहाँ पे भगवान अयप्पा जो पुरातन काल में अपना शिकार करते थे, तो हम रेलवे में जाके एक जगह उनका ऐसा आर्टिफिशियल शिकारी क्षेत्र बनाएंगे, वहाँ जाके शिकार करने के बाद वापस आएंगे। और 2 तारीख को शोभा यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। 2 तारीख को महादेव घाट जगदलपुर से मेन रोड होते हुए दंतेश्वरी मंदिर, जय महिंद्रकाल ज्वेलर्स, SBI चौक, चांदनी चौक, हिंगलान जी मंदिर होते हुए शोभा यात्रा अयप्पा मंदिर में प्रवेश करेगी। और जो ध्वज चढ़ाया गया है 28 तारीख को, ये ध्वज का अवरोहण जो 28 तारीख को 2 तारीख के 9 बजे किया जाए, और उसके साथ ही हमारे 6 दिन का उत्सव का समापन भी होगा। बलि जैसे होते हैं, बलि किस चीज़ की दी जाती है, गरुड़ क्या है? पूजा का नाम है उत्सव बलि। जी जी, इसमें बलि नहीं दिया जाता किसी तरह का, हाँ। पूजा का नाम है उत्सव बलि पूजा। और जैसे गरुड़ आए, उसका क्या महत्व है? गरुड़ अभी भगवान गरुड़ के रूप में अपना दर्शन देने के लिए आते हैं। ये केवल 2 जगह संभव हो पाता है, एक सबरीमला में और दूसरा है जगदलपुर के अयप्पा मंदिर, और कहीं भी अयप्पा मंदिर में गरुड़ का दर्शन नहीं होता। जी, वो देखने के लिए ही दूर दूर से हमारे जितने भक्त लोग हैं सुबह 10 बजे से ही आकर यहाँ पे विराजमान होते हैं, और जैसे ही गरुड़ का दर्शन पाते हैं और उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद। बस्तर जनपद क्षेत्र के मां गंगा देवी महाविद्यालय भवन बस्तर में संचालित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य भावेश कुमार नेताम के अध्यक्षता में 29 जनवरी को वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया था। वार्षिकोत्सव में बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल शामिल हुए। महाविद्यालय के छात्रों द्वारा पुष्प वर्षा कर अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम आरंभ के पहले अतिथियों द्वारा माता सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ राजकीय गीत तथा सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गयी। महाविद्यालय प्राचार्य ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को आगामी वार्षिक परीक्षा में होने वाली अव्यवस्थाओं तथा महाविद्यालय के जरूरतों से अवगत कराया। कार्यक्रम के अतिथि बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने सभा को संबोधित किया और कहा कि निश्चित रूप से कैबिनेट मंत्री व शासन से चर्चा कर उन कमियों अव्यवस्थाओं को दूर किए जाने का प्रयास किया जाएगा। कॉलेज में बुनियादी मूलभूत असुविधाओं को यथाशीघ्र दूर कराए जाने का भरोसा दिलाया, साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। दूसरे अतिथियों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। जनप्रतिनिधियों के हाथों नवीन महाविद्यालय के कई छात्र छात्राओं को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। इस दौरान मौजूद रहे प्राचार्य भावेश कुमार नेताम, शहीद महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। भारतीय सैन्य बलों में अग्निवीर भर्ती के लिए संभाग स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार टाउन हॉल में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कर्नल BS धामी और पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह रहे। इस अवसर पर कर्नल धामी ने कहा कि वीरता, साहस, जज्बे को राष्ट्र भक्ति में परिवर्तन करने के लिए वर्दी एक मौका देती है। देशभक्ति और देश सेवा के लिए फौजी बनकर एक बेहतर लीडर, समय पर त्वरित निर्णय लेने और मैन पावर का अच्छा प्रयोग किया जा सकता है। कर्नल ने अपने सेना में आने की प्रेरणा का उल्लेख करते हुए बताया कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सेना में भर्ती हुए। 26 राजपूत बटालियन में देश सेवा की शुरुआत हुई। इस सेना ने मुझे बहुत कुछ दिया। पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि हमारे देश में बलिदान की एक परंपरा है। देश के नौजवान को देश की रक्षा हेतु जब भी बुलाया जाए तैयार रहना चाहिए। सशक्त भारत के निर्माण में युवा सामने आकर अग्निवीर के रूप में भर्ती होकर देश की सेवा करें। मेजर प्रवीण तिवारी ने कहा कि बस्तर के माटी में वीरता का गुण है, अपने जोश को जगाकर फौज में भर्ती हों। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी JP पात्रो ने अग्निवीर के वायु और थल सेना की भर्ती गतिविधियों तथा सेना द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में जानकारी दी। इसके अलावा मोटिवेशन वीडियो के माध्यम से युवाओं और उपस्थित जनों को प्रेरित किया गया। इस अवसर पर सभी जिलों के रोजगार अधिकारी और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। कि माँ की आंख जो छलकी तो लो, माँ के लाल भी जाग गए, वीरों की टोली निकली, तुम गीदड़ जैसे भाग गए। अरे हम
सामने डरते तोपों से, न तीरों से, तलवारों से, न तकरीरों की भाषा से, न गीदड़ धमकी नारों से। सुन ले पापी बात तुझे, अब कब्रिस्तान बनाएंगे और अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चढ़ के वंदे वंदे मातरम गाएंगे। चंद्रगुप्त चाणक की धरती पर और प्रताप की थाती है, अरे गांडी वाले अर्जुन हैं, हम राम कृष्ण के वंशज हैं, शांति दूत हम समरसता के, विषम समय विध्वंसक हैं, अरे मुरली की अब तान थमी, शिव का तांडव दिखलाएंगे और अब की बार जो भड़के तो लाहौर कराची जाएंगे, मीनारों पे चक्के वंदे वंदे मातरम गाएंगे, मीनारों पे चक्के वंदे वंदे मातरम। बोलो भारत माता की। यहाँ पे जो है अग्नि वीर भारती जो चल रही है अभी एयरफोर्स में और वायु सेना में, उन्हें अग्नि वीर के माध्यम से सैनिकों की भर्ती होनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, चयन कैसे होगा, आवेदन कैसे होगा और लास्ट में कौन कौन स्टेज में उसका चयन किया जाएगा, उसके लिए मार्गदर्शन है आयोजित किया गया है। ये एक संभागीय कार्यशाला है जिसमें लगभग सभी जिले के अधिकारी फौजिया सेवा के आए हुए हैं और वायुसेना की क्या प्रक्रिया होगी, थलसेना की क्या प्रक्रिया होगी, उसकी जानकारी देने के लिए अभी जो वर्किंग जो ऑफिसर्स हैं सेना के और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। सर बच्चे और अधिकारी कहाँ कहाँ से आए हुए हैं सर? अभी बच्चे तो जनरली यहीं के ITI पॉलिटेक्निक जिनके इनटेक उसमें होता है वहाँ के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ बच्चे हैं, कुछ डिग्री कॉलेज के बच्चे हैं, कुछ बच्चे स्कूल के, अलग अलग पद में अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है सेना में भी और वायुसेना में भी, उस हिसाब से बच्चे आए होंगे, प्रक्रिया की जानकारी लेंगे, मोटिवेट होंगे और आवेदन करेंगे, प्रतिनिधित्व तो हमारे संभाग और जिले का इससे बढ़ेगा। अभी तो वायुसेना के लिए आवेदन चल रहे हैं, 17 जनवरी से 6 फरवरी तक है वायुसेना के लिए जी, और उसके बाद 18 फरवरी से, फिर 8 फरवरी से आगे, फिर 21 मार्च तक सेना के लिए उसके जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देश अनुसार शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सादगी पूर्ण पुण्यतिथि मनाई गई। वह इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा गोष्ठी का आयोजन भी किया गया और महात्मा गांधी के बलिदान पर अपने अपने विचार भी व्यक्त किए गए। इस दौरान वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जीवनी पर प्रकाश डाला। कमिश्नर श्याम धावड़े ने राष्ट्रपिता स्वर्गीय महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर कमिश्नर कार्यालय के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे। इसके अलावा कलेक्टर कार्यालय के परिसर में स्थित बापू की प्रतिमा पर डिप्टी कलेक्टर AS राणा ने पुष्पहार अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। 29 जनवरी को पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति द्वारा ग्राम चौकावड़ा चौक NH 63 मेन रोड के पास अपने कब्जे में अवैध देसी महुआ शराब रखकर बिक्री हेतु जगदलपुर ले जाने बस का इंतजार कर रहा है। मौके पर पहुंचकर संदेही को पकड़ा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम सोनू कुमार साव, पिता टुनटुन साव, निवासी ग्राम धनपुंजी रहने बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से कुल 22 लीटर देसी महुआ शराब कीमत 2,200 रुपए को बरामद कर जब्त किया गया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध सदर कायम कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश करने रवाना किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।